उदयराज एडवर्टाइजर्स की तरफ से आपको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और साथ ही उदयराज एडवर्टाइजर्स सोलन की तरफ से आपको इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। हिंद मजदूर सभा की एक बैठक छाड़माजरी के सबसे पुराने गारमेंट उद्योग के बाहर हिंद मजदूर सभा के अध्यक्ष नरेश कप्पा की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान उद्योग के बाहर हिंद मजदूर सभा का झंडा लगाया गया, कामगारों की कार्यकारिणी गठित कर श्रीमती पूनम को प्रधान बनाया गया। इस मौके पर सुरेश कुमार को उपप्रधान, प्रेमलता महासचिव, संगीत कुमार को सहसचिव, तृप्ता देवी के कोषाध्यक्ष, सत्या देवी संगठन सचिव, नरेश कुमार के मुख्य सलाहकार, निक्की देवी प्रेस सचिव, पार्वती देवी, आशा गुप्ता व प्रेम टिमिंटा को बतौर कार्यकारिणी सदस्य बनाया गया। जानकारी देते हुए हिंद मजदूर सभा के खेमचंद ने बताया कि उक्त उद्योग द्वारा उद्योग के सभी कामगारों को वेतन नहीं दिया गया व उद्योग से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, जिसे वह बर्दाश्त करने वाले नहीं है। मेरा नाम नरेश कुमार, हिंद मजदूर सभा का जनरल सेक्रेटरी हूँ। आज मैं जीनियर जोनी के ये जो उद्योग है, इन्होंने बड़ी मनमानी कर रखी है वर्करों के साथ। जो सरकार को एपिडेमिक के कारण लॉकडाउन लगाया गया, उसने जो इस कंपनी के वर्कर थे, इन बेचारों को इन्होंने मना कर दिया कि कंपनी हमारी बंद है और आपको जब काम होगा तब बुला लिया जाएगा। बीच में इन्होंने कुछ वर्कर थे जो नज़दीक के थे, उनको बुलाया काम के लिए, उनसे काम करवाया, और जो बेचारे 5 किलोमीटर से लेकर बद्दी से या दूर पार के जो बहुत दूर से आते थे वर्कर, उनको इनके बारे में कोई सूचना नहीं दी गई और ऐसे ही 30-35 वर्करों से काम इन्होंने करवाया। और बाद में वर्करों को इन्होंने मई महीने के बाद वर्करों को बोल दिया कि हमारे पास काम नहीं है, जब काम होगा तो आपको बुला लिया जाएगा। मगर बेचारे जो मजदूर भाई हैं, जो मजदूर हैं अपने, इनके पास ना इनके अकाउंट में कोई खर्चा, ना सैलरी, ना कुछ भी नहीं डाला इन्होंने। इनका अब बेचारों का इनका इतना बुरा हाल है कि इनके खर्चे के लिए भी बड़ी तंगी आ गई है। भूखे प्यासे बेचारे इधर जो किराए पर रहते हैं, उनको किराए देने के लिए इन्हें मकान मालिक जो वो किराया मांग रहे हैं, राशन वाला किराया अपना राशन का मांग रहा है, मगर इन वर्करों का बेचारों का ये उद्योग वाले देख नहीं रहे कुछ। इनका इन्होंने कुछ नहीं किया। और जो हॉस्टल में बच्चे रहते थे, बच्चियाँ रहती थी बेचारी, उनके भी उनको भी बाहर कर रहे हैं कि आपको यहाँ से छोड़ना पड़ेगा, बाहर कर दिया। और 3-4 महीने हो गए और इनको बेचारों को ऐसे ही लारे लगा रखा है कि आपको रखेंगे, फैक्ट्री चलाएंगे, मगर उससे इनके उसमें कुछ नहीं, बेचारों को खर्चा कुछ नहीं दिया जा रहा। अगर उद्योग हमारे मजदूरों की मांगे नहीं पूरी करते तो हम पूरा सड़क पे आकर मजदूरों के हित में आंदोलन करेंगे और इनकी मांगे हिंद मजदूर सभा के झंडे के तले पूरी करवाएंगे। और ये हमारा उद्योग को एक हमारी चेतावनी है कि आने वाले उसमें जरा मजदूरों की मांगों का ध्यान दिया जाए। मेरा नाम पूनम है और मैं जिनी जोनी कंपनी के भाई बहनों ने मेरे को प्रधान बनाया गया है, ठीक है। और हम लोग जैसे कि लॉकडाउन लगा हुआ था, हम लोग सारे अपने घर में बैठे हुए थे। इन कंपनी वालों ने 4 मई को कंपनी शुरू की और हमें बिना सूचित किए हुए इन्होंने आसपास के बंदों को बुला के अपना काम शुरू कर दिया। जब बंदों को किसी को पता नहीं चला कि हम कंपनी चल रही है कि नहीं चल रही है, तो उन्होंने अपने सुपरवाइजरों को फ़ोन किया कि हाँ सर हम आए ड्यूटी, तो उन्होंने बोला कि काम नहीं है, जब काम आएगा आपको बुला लिया जाएगा। इसलिए जो जो जहाँ थे वहीं रह गए अपने अपने घर में। तो उसके बाद हम लोग जब इन्होंने जीनी जोनी वालों ने ना तो हमें कोई सैलरी, ना कोई राशन कार्ड, जो भी कंपनियां सुविधा उपलब्ध कराती है बंदों को, इन्होंने कुछ भी नहीं किया ऐसा काम। जब हम लोगों ने अपना आंदोलन शुरू किया ये लोग बोले कि आप लोग बंदों को भड़काते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये बहुत ही गंदी मैनेजमेंट हमारे लिए बैठी हुई है, हमारे लिए कुछ नहीं इन्होंने किया लॉकडाउन में। सारे बंदे भूखे मरे हैं और इन्होंने जो भी किराएदार है उन लोगों को परेशान कर रहे हैं। बच्चे अपने कैसे पालेंगे और अपना कैसे आप लोगों का पेट पाल रहे, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इन्होंने जो जो बंदा नहीं ड्यूटी आया था उनको भी ये इन्होंने लेटर लिख के दे दिया कि जो 50 दिन में नहीं आएगा उसको हम साइड को कर देंगे। फिर आधे बंदों ने 4 मई से ड्यूटी करनी शुरू की, उनको भी इन्होंने लेटर डाल के ये कर दिया कि आप 50 दिन में नहीं ड्यूटी आए, इसको आपको भी साइड को कर दिया। जो ड्यूटी आए थे उनको भी साइड को कर दिया, जो नहीं आए थे उनको भी साइड को लेटर डाल दिया। इसीलिए हॉस्टल वाली जो बच्चियां थी, जो लड़कियां थी, वो अपने घर में बैठी कोरोना के कारण नहीं आ सकती हैं, उनको ने लेटर डाल के बोला कि आप अपना सामान उठाओ यहाँ से, नहीं तो आपको रेंट खुद भरना पड़ेगा। तो लड़कियां इसी कारण नहीं आ सकी। आज 4-5 लड़कियां आई हैं, उनका सामान उठा के बाहर फेंका गया है और उनसे 400-400 रुपया लिया गया है।
सामान उठाने के लिए, बताओ ये कौन से लिखा हुआ है। जब कंपनी हमें घर से लेके आती है तो यहाँ बोल के आती है कि जब हमारी कंपनी में विपदा पड़ेगी या कुछ भी पड़ेगा आपको उठा के वहाँ से हम लोग कहीं भी फेंक सकते हो, बताओ लड़कियाँ कहाँ रहेंगी। सब कुछ बसें बंद कर दी, हमारी सुविधा बंद कर दी, सारा कुछ बंद कर दिया, तो हम घर बैठने में खुद मजबूर हो गए। हम लोग तो अपनी कंपनी में काम करना चाहते हैं, ठीक है, ये हम लोग जबरदस्ती हमसे रिजाइन दिला रहे हैं। रिजाइन इसलिए कि आप लोग रिजाइन लो, जब कंपनी चालू होगी तो आपको बुला लिया जाएगा, ऐसे ही इन लोगों के प्रवचन हम लोगों को सुनने मिलते हैं, ठीक है। जो भी हम लोग थोड़ी बातें सुन लेते हैं, थोड़े हम बैठ जाते हैं, ठीक है भाई 10 तारीख को कंपनी चलेगी, 20 को कंपनी चलेगी, पर ये लोग आगे से आगे डेटे बढ़ाते रहते हैं और हम लोग बहुत परेशान हो गए इनकी डेट लेते लेते। हाँ जी, हिंद मजदूर सभा जो यूनियन हमारी है, हमारे साथ आंदोलन करेंगे हम लोग, अगर हमारी मांगे नहीं पूरी गई तो हम लोग उनके थ्रू अपना सड़क पे उतरेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे। उदयराज एडवर्टाइजर्स की तरफ से आपको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और साथ ही उदयराज एडवर्टाइजर्स सोलन की तरफ से आपको इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।